देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर बरेली से है। शाही थाना क्षेत्र के कस्बा दुनका में प्राइवेट अस्पताल संचालक डॉक्टर संजय सिंह की चाकू से गोदकर अज्ञात ने हत्या कर दी। मृतक धनेटा शीशगढ़ रोड से सटे आनंदपुर गांव के रहने वाले थे और कस्बा दुनका में ही रहकर अस्पताल चला रहे थे। घटना स्थल से चंद कदम दूरी पर पुलिस चौकी दुनका है। सीओ मीरगंज उमर दराज खान ने बताया कि शव पीएम को भेजा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जिसने शख्सों को संकलित किया। आनंदपुर गांव के रहने वाले डॉक्टर संजय सिंह दुमका आनंद जीवन नाम से हॉस्पिटल चलाते थे। अधिकांश समय हॉस्पिटल में रहते थे। बीती रात सामान्य दिनों की तरह हॉस्पिटल के ग्राउंड में सोए थे। सुबह मृत मिले। पेट एवं गर्दन पर चाकुओं के वार के निशान है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। आप देख रहे हैं बरेली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। थाना शाही में अनंत जीवन की भी पड़ता है। यहाँ पर उसके मैनेजमेंट को देखने वाले संजय सिंह भदौरिया व्यक्ति हैं। ये सुबह उसी क्लिनिक के बाहर मच्छरदानी में मृतक पाए गए और उनके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किया गया था। इसमें मृतक के परिजन हैं और उनकी तहरीर के आधार पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें सीसीटीवी को खंगाला गया है। इसमें कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। उसमें एक व्यक्ति उनको मारता हुआ दिख भी रहा है। उसकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उसको पकड़ा जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा।